हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर जो कोई भी उड़ा सकता है, यानी कि बच्चा बच्चा भी उड़ा सकता है। जस्ट 10 से 15 मिनट के ट्रेनिंग के साथ कोई भी इसको उड़ा सकता है। हैरानी की बात है ना, मुझे भी बहुत हैरानी हुई और मैंने भी सोचा कि जब ये इंडिया में लॉन्च होगा ना, मैं भी जाके खरीदने वाला हूँ। क्योंकि सबका एक सपना होता है कि हेलीकॉप्टर को उड़ाओ या प्लेन को उड़ाओ, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही हम लोग जाके प्लेन को उड़ा सकते हैं या हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला आप पैसे दे के इसको खरीद लो और आप 10-15 मिनट के ट्रेनिंग के साथ आप इसको विदाउट लाइसेंस उड़ा सकते हो, बहुत बड़ी हैरानी की बात है ना। तो वही चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिस हेलीकॉप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो दरअसल हेलीकॉप्टर नहीं है, एक्चुअली एक सिंगल सीटर ड्रोन है, और ये प्रोड्यूस करती है स्वीडन की एक कंपनी, उस कंपनी का नाम है जेटसन। तो ये कंपनी दावा ये करती है कि ये हेलीकॉप्टर 86 किलो की है और 1500 फीट तक ऊपर उड़ सकती है, 20 मिनट का फ्लाइट टाइम है इसका, और 102 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ये जा सकती है। और जैसे कि इलॉन मस्क का जो टेस्ला जो कार है बहुत स्पीड में जाती है, यानी कि इको फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिक है, वैसे ही ये भी एक इलेक्ट्रिक मिनी सिंगल सीटर ड्रोन है जिसको लोग हेलीकॉप्टर के नाम से भी बुलाते हैं। ये ड्रोन इतना पॉपुलर है कि ये स्टीवन कॉलबर्ट के शो में भी आ चुका है। अगर आपको ये ड्रोन 2023 में खरीदना है ना, तो आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि सोल्ड आउट है। 2023 के लिए ये सोल्ड आउट है, कंप्लीटली सोल्ड आउट है। और अगर आपको 2024 में खरीदना है तो आपको बुकिंग 2023 में करना पड़ेगा। हैरानी की बात है ना। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब इंडिया में आएगा ना, तो मैं भी ऑर्डर प्लेस करूंगा और मैं भी जाके तुरंत लेने वाला हूँ। इतना मस्त मजेदार चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।